गुड मॉर्निंग बच्चों, ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों आयनिक कंपाउंड्स। प्यारे बच्चों, इससे पहली वीडियो में आपने आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा। प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो जो है बच्चों मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच बनते हैं। बच्चों, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटाइन बनाते हैं, और नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन बनाते हैं, और इस प्रकार से जो है बच्चों आयनिक कंपाउंड बनता है या आयनिक बॉन्ड बनता है। बच्चों, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आपको जो ये छोटी सी वीडियो में बनाना चाहूँगा और रिफ्रेश करना चाहूँगा कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। बच्चों, प्यारे बच्चों, आपको केवल एग्जाम पास नहीं करना है बल्कि आपको जो है कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी बैठना है, इसलिए आपका केमिस्ट्री का बेस अच्छा बने पूरा प्रयास ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा किया जा रहा है। तो चलते हैं बच्चों आपको बताने के लिए आयनिक कंपाउंड, और आप हमारे साथ जो सॉल्टेस्ट नोट्स जो आपके बनने हैं आप बनाएंगे बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको नोट्स की ओर बच्चों। तो आयनिक कंपाउंड क्या है थोड़ा सा आपको लिखना है। द कंपाउंड कंटेनिंग द कंपाउंड्स द कंपाउंड कंटेनिंग आयनिक बॉन्ड्स द कंपाउंड कंटेनिंग आयनिक बॉन्ड्स आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ जितने भी कंपाउंड हैं जिनके बीच आयनिक बॉन्ड होता है, अर्थात जो कैटाइन और एनायन से बनते हैं, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आयन से फॉर्म होते हैं, उन्हें हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब वो क्या करेंगे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का मतलब हो गया, ट्रांसफर कब होता है बच्चों, ट्रांसफर होने के लिए एक देता है तो लेने वाला भी चाहिए, तभी तो वो ट्रांसफर होगा बच्चों। यहाँ पर मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, तो नॉन मेटल जो है उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप और इसमें लिखेंगे, they are formed by the transfer of electrons. By the transfer of electrons from one atom to another. From one atom to another, एक एटम से दूसरे एटम में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। ठीक है बच्चों,
अब जो आयनिक कंपाउंड होते हैं बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। वैसे बच्चों, आपको यदि आप ग्लो ऑफ फिजिक्स के साथ जो है शुरू से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर कहना चाहूँगा कि आपको ये कंप्लीट आ गया होगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बना दूँ आयनिक कंपाउंड। तो प्यारे बच्चों, आयनिक कंपाउंड में देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन। वन इज कैटाइन, कैटाइन्स, एंड अनदर वन इज एन आयन्स। ठीक है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज्ड, और ये जो एनायन होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है कैटाइन्स कम्स फ्रॉम मेटल्स। जो कैटाइन्स होते हैं वो मेटल्स से आते हैं, और जो एनाइंस हैं वो नॉन मेटल्स आते हैं बच्चों। लेकिन बच्चों, एक आयनिक कंपाउंड ऐसा है जिसमें दोनों नॉन मेटल होते हैं बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा। जनरली जो है आयनिक कंपाउंड जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स से बनते हैं, लेकिन कुछ एक मात्र एक आयनिक कंपाउंड ऐसा है जिसमें दोनों नॉन मेटल होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, आयनिक कंपाउंड में आयन्स होते हैं, नॉट मॉलिक्यूल बट आयन्स। ये मैं आपको इसके बाद मेंशन कराना चाहूंगा बच्चों। प्यारे बच्चों, मान लीजिए अब हमारे पास जो है बच्चों, मान लीजिए एक सॉल्ट, में यहां पर एग्जाम्पल दे देता हूं, एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा बच्चों। मान लीजिए हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है ना बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यहां पर जो NaCl है ये आयनिक कंपाउंड है, NaCl ये आयनिक कंपाउंड है। यहाँ पर मेटल का भाग कौन है और नॉन मेटल का भाग कौन है बच्चों? ठीक है बच्चों, ये क्या है बच्चों, NaCl इज ए आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। और बच्चों थोड़ा ध्यान देंगे, इस NaCl में जो है Na जो है पॉजिटिव आयन बनाता है, और Cl जो है नेगेटिव आयन बनाता है। ये जो है Na जो है मेटल्स, मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो कैटाइन बनाता है, और नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो एनायन बनाता है बच्चों। इतना आपने ध्यान दे दिया होगा बच्चों। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा बच्चों, जो आयनिक कंपाउंड हैं वो केवल किससे बनेंगे बच्चों, आयन से बनेंगे, नॉट फॉर मॉलिक्यूल। यहां पर लिख दो बच्चों, यहां पर लिख दो मैं, द आयनिक कंपाउंड, द आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट, द आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ आयन्स एंड नॉट मॉलिक्यूल्स, एंड नॉट मॉलिक्यूल्स।
प्यारे बच्चों, जरूर आप यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे बच्चों, आयनी कंपाउंड आयन से बनता है, न कि मॉलिक्यूल से बनता है बच्चों। ठीक है ना बच्चों, आप जरूर ध्यान देंगे ना बच्चों इसमें। द आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ आयन्स एंड नॉट मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से नहीं बनता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर जो है कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है आपको बताना चाहूँगा कुछ आयनिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों, आयनिक कंपाउंड यहाँ पर बताना चाहूँगा बच्चों। तो यहाँ पर जो है बच्चों मैं लिख देता हूँ वन, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा अच्छी वीडियो है, छोटी वीडियो है बच्चों। तो पहला मैं सोडियम क्लोराइड, तो आपको आ ही जाता होगा बच्चों, नहीं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, अब मैं यहां पर लिख देता हूं उसका फॉर्मूला क्या है, यहां पर देखो बच्चों। ठीक है, फॉर्मूला यहां पर फॉर्मूला लिख दूंगा, और यहां पर आयन्स क्या है उसमें, आयन्स प्रेजेंट, उनमें आयन क्या प्रेजेंट है बच्चों। ये तो नाम है, ये तो यहाँ पर वन टू थ्री बच्चों, ये तो क्या हो जाएंगे बच्चों, ये तो नाम हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों मैं आपको उस आयनिक कंपाउंड को भी बताने की कोशिश करूँगा कि जिसमें दोनों जो हैं कैटाइन और एनाइन दोनों नॉन मेटल, जो दोनों नॉन मेटल से बना होता है, ये इसमें जो है बच्चों एक्सेप्शन है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला बताओ बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों, NaCl, इसमें जो है Na पॉजिटिव आयन होगा कैटाइन, और Cl क्लोराइड, ये सोडियम आयन और ये क्लोराइड आयन, ये मेटल से आएगा और ये नॉन मेटल से आएगा बच्चों। ठीक है ना बच्चों, दूसरा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, दैट इज KCl। यहाँ पर के प्लस पोटेशियम आयन है और Cl माइनस क्लोराइड आयन है, और जो के प्लस है वो मेटल से आएगा और Cl माइनस वो नॉन मेटल से आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे बच्चों, अमोनियम क्लोराइड, बस यही है जिसमें दोनों जो हैं बच्चों क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम NiUn, अमोनियम क्लोराइड। तो प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला है NH4Cl, इसमें जो NH4+ है उसको अमोनियम आयन कहते हैं बच्चों, और Cl- को क्लोराइड आयन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँगा, ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये एक्सेप्शन है, यहाँ पर जो है ये जो आयनिक बॉन्ड बना रहा है, आयनिक कंपाउंड बना रहा है, इसमें दोनों आयन्स जो हैं ये दोनों आयन्स जो हैं नॉन मेटल से प्राप्त होते हैं। तो क्या रे बच्चों, मैंने मार्क कर दिया है यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड विच इज एन आयनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली नॉन मेटल, ये केवल नॉन मेटल से बना है बच्चों, इसमें दोनों पार्ट कैटाइन और एनाइन दोनों पार्ट जो है बच्चों वो कहाँ से आते हैं, नॉन मेटल से आते हैं, और मैंने उसको हाईलाइट भी कर दिया है बच्चों, और आपका ध्यान तुरंत उस पर चला जाएगा और आप भी हाईलाइट का प्रयोग करेंगे बच्चों, क्योंकि आपने एग्जाम के लिए या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आपने नोट्स बनाने हैं बच्चों। तो ये अमोनियम क्लोराइड ऐसा आयनिक कंपाउंड है जो कि नॉन मेटल से बना होता है, इसका जो पॉजिटिव आयन है कैटाइन और जो नेगेटिव आयन है एनाइन, वो दोनों जो है नॉन मेटल से आते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा आयनिक कंपाउंड का, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड,
क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला है MgCl2। इसमें एक मैग्नीशियम का एटम है और दो क्लोरीन के एटम हैं। मैग्नीशियम के सबसे आउटर मोस्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन हैं, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में एक सात इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम के दो इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन एटम को बंट जाएंगे, मैग्नीशियम पर 2+ चार्ज आ जाएगा। मैग्नीशियम Mg2+, इसको मैग्नीशियम आयन बोलते हैं। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl-। ठीक है बच्चों, दो Cl है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, कितने Cl हैं, दो Cl हैं बच्चों यहाँ पर। तो ये हो गया बच्चों आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 2 Cl भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, दो क्लोराइड आयन है यहाँ पे, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, और कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, CaCl2। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों ये देखो मैंने ऊपर कर दिया कैल्शियम क्लोराइड। यहां पर कैल्शियम के पास दो इलेक्ट्रॉन ये दे देता है, और यहां पर क्लोराइड, दो क्लोराइड आयन बनते हैं। यहाँ पर दो भी लिख सकते हैं बच्चों आप। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने आपको इतने जो हैं एग्जाम्पल बता दिए हैं बच्चों। ठीक है ना बच्चों, और थोड़ा सा आप लिख दो, थोड़ा सा हम एक लाइन इसमें लिखेंगे बच्चों, आप भी इसमें लिखेंगे। आयनिक कंपाउंड आर मेड ऑफ, थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, आयनिक आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ, आर मेड अप ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, एंड अ नॉन मेटल एक्सेप्ट, मैंने मार्क कर रखा है, एक्सेप्ट अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम अमोनियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, ये मैंने पहले ही बता दिया है अमोनियम क्लोराइड, विच इज एन आयनिक कंपाउंड एंड मेड अप, अमोनियम क्लोराइड मेड अप ऑफ ओनली ओनली नॉन मेटल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखा दिया, केवल अमोनियम क्लोराइड ऐसा है कि जो कि नॉन मेटल से बना हुआ है। तो प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर सारे आयनिक कंपाउंड जो हैं मेटल से, मेटल्स और नॉन मेटल से बनते हैं, लेकिन यहां पर एक, यहां पर मार्क भी कर रखा है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये दिखाई तो दे रहा है बच्चों आपको, ये देखिए ये तीसरे नंबर का दिखाई दे रहा है। तो ये अमोनियम क्लोराइड जो है ये जो है नॉन मेटल से बना होता है। तो प्यारे बच्चों चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जो है ग्लो ऑफ फिजिक्स पर करें, ताकि जो है इसकी विश्वसनीयता जो है आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है इसका फायदा हो। तो प्यारे बच्चों चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल पर बने रहें, अगली वीडियो तुरंत आपके पास आने वाली है। और अब मैं जो है आपको कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताने वाला हूं बच्चों। जब तक आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में नहीं आएगा, तब तक जो है बच्चों आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो कि जो है इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, उसको समझने में आपको दिक्कत होगी। तो प्यारे बच्चों आप हमारे चैनल पर बने रहें। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।